नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है अफसाना। आकाश को कल ही एक साथी कर्मचारी ने बताया था कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आकाश के दिल में आशा की किरण जाग गई। शायद दुनिया की इस भीड़ में प्रतिमा से दोबारा मुलाकात हो जाए। और दूसरे ही दिन न जाने क्या सोचकर आकाश ने EMI वाला एक स्मार्टफोन ले लिया। उसकी उंगलियां हर सोशल साइट्स पर प्रतिमा के नाम को ढूंढती रहती। प्रतिमा नहीं थी, कहीं नहीं थी। नीतू ने एक दिन दबे स्वर में कहा भी था, वैसे भी घर के बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भी अभी जमा नहीं हुई, इसकी क्या जरूरत थी? क्या अब तुम मुझे बताओगी मेरी क्या जरूरत है क्या नहीं? आकाश की बात सुनकर नीतू का चेहरा उतर गया। नीतू की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उसने आकाश से शादी की थी। आकाश को खुश रखने के लिए उसने कितनी कोशिश की थी। शादी के वक्त किसी ने उससे कह दिया था कि आकाश को मीठा खाना बहुत पसंद है। माँ पापा को मधुमेह था, पर वो बिना नागा उसके खाने के डिब्बे में मीठा रखना नहीं भूलती। शायद वो अपने संबंधों के बीच आई इस कड़वाहट के मीठे से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आकाश जब ऑफिस में टिफिन बॉक्स खोलता, सहकर्मी लपक कर उसकी तरफ चले आते। नीतू के हाथों के स्वादिष्ट खाने के सब कायल थे, पर जिसको खाना पसंद आना चाहिए वो मुंह में एक कौर भी न डालता। और आकाश बाबू, आज भाभी ने क्या भेजा है? आकाश चुपचाप डिब्बा साथी कर्मचारियों की तरफ सरका देता और मिठाई चपरासी के हाथों में दे देता। न जाने क्यों एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर पसर जाता। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वो इस तरह से नीतू को शादी करने की सजा दे रहा हो। मैं नहीं मना कर पाया तो क्या नीतू मुझसे शादी करने से मना नहीं कर सकती थी? कहाँ मैं और कहाँ वो? एक बार तो सोचना चाहिए था पापा को, पर नहीं, ऐसी लड़की गले से बांध दी जिसका जीवन घर से शुरू होता है और घर पर खत्म होता है। पापा की दवाई, माँ की एक्सरसाइज, बच्चों का स्कूल, बिजली का बिल, मौसी जी के पोते के मुंडन में नेक व्यवहार, हर चीज उंगलियों पर रहती है। क्या ऐसी लड़की चाहिए थी? उसे दुनिया की तो फिक्र है, पर अपने पति को क्या पसंद है इसका ख्याल भी नहीं। शादी के शुरुआती दिनों में नीतू आकाश की गाड़ी के हॉर्न पर दौड़ी चली आती। कमर तक झूलती चोटी, आंखों में काजल, करीने से काढ़े बाल, माथे पर सिंदूरी बिंदी का रंग, आकाश के आसमान की सूचना से और भी सुंदूरी हो जाता। उसकी खुशी चेहरे से टपकती थी। एक बार उसने कितना हुलस कर पूछा था, चमचम कैसा बना था? मम्मी से पूछकर बनाया था। और आकाश ने कितनी बेदर्दी से कहा था, पता नहीं, मुझे पीठा पसंद नहीं, ऑफिस के चपरासी को दे दिया था। कैसा बना कल चपरासी से पूछकर बताऊंगा। नीतू की आंखें छलछला गई, पर आकाश का दिल नहीं पिघला। मन की झुंझलाहट संबंधों पर साफ दिखती थी। पापा सब चुपचाप देख और समझ भी रहे थे, पर जवान बेटे से कहते भी तो क्या। नीतू पापा की पसंद थी, धीरे धीरे वो सबकी पसंद बन गई थी, पर जिसका हाथ था में वो इस घर में आई थी वो उसकी पसंद कभी न बन पाई। पापा ने एक दिन आकाश से कह भी दिया, आकाश पानी पर लिखा इंसान खुद पढ़ता है, पर पत्थर पर लिखा दुनिया पढ़ती है। अब तय तुम्हें करना है कि अपनी जिंदगी की कहानी तुम पानी पर लिखना चाहते हो या पत्थर पर। आकाश के झुंझलाहट और भी बढ़ जाती। क्या था नीतू में ऐसा जो हर आदमी उसके नाम की माला जपता है? वो प्रतिमा के पैर की धूल भी नहीं। आकाश प्रतिमा को कभी भूल नहीं पाया। प्रतिमा उस चांद की तरह थी जिसे न पाने की कसक आकाश को जीवन भर सालती रही। दिन गुजर रहे थे, पर आकाश की जिंदगी मानो थमसी गई थी। वो मशीन की तरह काम करता। इन दिनों उसका अवसाद और भी बढ़ता जा रहा था।
वो घर से बाहर रहने के बहाने ढूंढने लगा था। बास से कहकर वो ओवर टाइम भी करने लगा। वो नीतू की परछाई से भी दूर भागने लगा था। आज ऑफिस में सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। एक नई महिला बॉस की नियुक्ति हुई थी। सुना था बड़ी सुंदर और तेज तर्रार है। एक साथी मित्र ने चुटकी लेते हुए कहा भी था, चलो ऑफिस में मन लगा रहेगा। आकाश मुस्कुरा कर रह गया। सब नए बॉस से मिलने ऑफिस की तरफ चल पड़े। उसी भीड़ में आकाश भी था। नई बॉस सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपनी नई बॉस से मिलकर एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल जाएं। मिस्टर आकाश आप यहीं रुकें, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, शब्द गले में अटक से गए। प्रतिमा को अपने बॉस के रूप में देखकर आकाश आश्चर्य में था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रतिमा से इस तरह से मुलाकात होगी। सबके जाने के बाद प्रतिमा तेजी से उठी और पर्दा खींचकर आकाश की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज आकाश, तुम यहाँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुमसे जीवन में इस तरह मुलाकात होगी। और सुनाओ, शादीवादी की कि नहीं? प्रतिमा एक सांस में बोलती चली गई। आकाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आकाश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने इतनी शिद्दत से चाहा था उसे इस तरह मुलाकात होगी। कुछ भी तो नहीं बदला था। प्रतिमा वैसे ही चंचल शौक और बिंदास थी। बिना बांह के ब्लाउज पर प्योर शिफान की साड़ी को उसने बड़े सलीके से लपेट रखा था। तीर कमान सी बाहों के मध्य एक छोटी सी गोल काली बिंदी, लाल रंग की लिपस्टिक से रंगे होठ और बालों को करीने से काढ़ कर बनाया हुआ फ्रेंच नाट उसके चंचल चेहरे को एक अलग आभा दे रहे थे। कान के पास लटकती लटें मानो उसके चेहरे के साथ आंख मिजौली कर रही थी। हेलो मिस्टर आकाश, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। कहाँ खो गए यार, आदत नहीं गई तुम्हारी। कॉलेज में भी तुम ऐसे ही बात करते करते न जाने किस दुनिया में खो जाते थे। और सुनाओ सब कहाँ हैं? मनोज, विनय, आशुतोष और वह पिंकी, सीता और हाँ नेहा की शादी कहाँ हुई? सब ठीक हैं। मनोज आशुतोष जॉब में हैं। विनय अपने पापा के साथ बिजनेस संभाल रहा है। मिल तो नहीं पाता पर फोन से कभी कभी बातचीत हो ही जाती है। गुड यार, माया कहाँ है? तुम्हारे जाने के बाद एक एक करके सबकी शादी हो गई। शादी के बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। क्यों, आजकल के जमाने में इतने सारे तरीके हैं फिर भी? प्रतिमा ने बड़े ही आश्चर्य से आकाश की तरफ देखा। प्रतिमा, शादी के बाद जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हो सकता है उसके ससुराल वाले इतनी खुली सोच के न हो, इस कारण वह कॉलेज के मित्रों से संपर्क नहीं रख सकी। कभी कभी पतियों के भी रजामंदी नहीं होती, ऐसे में किया भी क्या जा सकता है। छोड़ो यह सब बातें। न जाने क्यों प्रतिमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नफरत है मुझे ऐसी सोच से। क्या हुआ प्रतिमा, तुम इतनी नाराज क्यों हो गई? इसमें नया भी क्या है, यह तो हमारे समाज में हमेशा से होता आया है। क्या तुम्हारे पति तुम्हें कभी नहीं रोका? प्रतिमा के चेहरे का रंग बदल गया। शादी, माय फुट, मुझे इस शब्द से भी नफरत है। प्रतिमा का चेहरे का रंग बदल गया। प्रतिमा धम्म की आवाज के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वो गुस्से से कांपने लगी। कमरे में गहन सन्नाटा पसर गया। प्रतिमा की हालत देखकर आकाश की आगे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तब प्रतिमा ने ही चुप्पी तोड़ी। परेश और मैं 2 साल पहले ही अलग हो चुके हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा तलाक हो चुका है। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो इस बात का एहसास भी नहीं है था कि मैं कल कैसे जी रही थी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में वह क्या करे क्या ना करे। वह अजीब सी स्थिति में उलझ गया था। प्रतिमा उसकी मनोस्थिति से
अनजान अपने ही रौ में बोलती जा रही थी। परेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पद पर थे। शादी के वक्त मैंने सोचा था कि हम दोनों जॉब करेंगे, ऐसे जिंदगी कटेगी, पर जानते हो आकाश, परेश और उसकी फैमिली, ओ माय गॉड। परेश अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। छोटी बहन सोनिया की शादी दिल्ली में हुई है। परेश और उसका परिवार मुझसे चाहते थे कि मैं घर में बैठकर गृहस्थी संभालूं। गृहस्थी? हाँ, यही सब करने के लिए क्या मैंने इतनी पढ़ाई की थी। उस घर में कोई चैन से सोने भी नहीं देता था। 7 बजे सुबह मम्मी जी के मंदिर के घंटी बजने लगती। प्रतिमा बेटा 7 बज गए हैं, कह कह कर पापा घर सर पर उठा लेते। न जाने क्यों आकाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जानते हो आकाश, परेश के पापा एकदम फिल्मी टाइप वाले ससुर थे। उन्हें पार्वती और तुलसी टाइप वाली बहू चाहिए थी। जानते हो क्या कहते थे, प्रतिमा हम लोगों के सामने नहीं तो कम से कम रिश्तेदारों के सामने पल्लू कर लिया करो। बहू पल्लू करने वाली चाहिए थी तो ले आते किसी छोटे शहर या गांव की लड़की। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। कहते थे प्रतिमा 4 लोगों का ही तो परिवार है, परेश को ऑफिस से आ जाने दो, साथ मिलकर खाते हैं। अरे यार भूख लगी है तो खाओ, टीवी देखो और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पर नहीं आकाश, हमारी तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं थी। झक मार कर सबके साथ खाना खाना पड़ता। जब परेश से कहती तो परेश भी हंसकर टाल देते। मैडम इसे ही परिवार कहते हैं, इन सब छोटी छोटी बातों से ही प्यार बढ़ता है। सच बताऊं तो मेरा खून जल जाता। ऊपर से परेश की छोटी बहन जब देखो तब हर दूसरे महीने टपक पड़ती। आते ही फरमाइश कार्यक्रम शुरू। भाभी बहुत दिन हो गए आपके हाथ का कुछ खाए। अरे यार मैं कुक थोड़ी हूँ, इतना ही खाने का मन है तो चले जाओ होटल, खा लो जी भर के। प्रतिमा लगातार बोलती जा रही थी पर आकाश वो अपने ही ख्यालों में गुम था। नीतू का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने गुजर गया। दिन भर परिवार के लिए जीती और जूझती अचानक से उसे खूबसूरत लगने लगी थी। वर्षों पहले प्रतिमा के साथ जीवन बिताने का सपना तो कब का चूर चूर हो चुका था, पर ईश्वर ने उसकी झोली में जो अनमोल उपहार के रूप में नीतू को डाला था वो सब उसकी कदर भी न कर पाया। नीतू ने तो सिर्फ उसकी आंखों में अपने लिए विश्वास और प्यार ही तो चाहा था और वो उसे भी न दे पाया। आकाश काम का बहाना करके प्रतिमा के केबिन से बाहर निकल आया। आज वर्षों बाद उसने अपना टिफिन खोला। नीतू के हाथों का बना लड्डू बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। आकाश ने वो लड्डू मुंह में डाल लिया। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। आज उसे अपने पापा की पसंद पर गर्व हो रहा था। उस दिन वह ऑफिस से घर जल्दी आ गया और घर पहुंचते ही वह नीतू को देखकर भावुक होकर बोला, मुझे माफ कर दो नीतू, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा था। नीतू यह परिवर्तन देखकर आकाश को देखती ही रह गई। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।